अस्सलामुअलैकुम। दोबारा से क्लास शुरू कर रहे हैं। सारे लोगों ने ये जो क्वेश्चन था, सवाल था, जिन साहब ने नोट करना है इसको नोट कर लीजिए। मरने वाले ने अपने पीछे अपनी बीवी को छोड़ा है, अपनी माँ को छोड़ा है, अपने बाप को छोड़ा है, एक बेटा और एक बेटी को छोड़ा है। मरने वाले के तरके की रकम ये कैसे निकाली गई थी? पहले कफन दफन को निकाला गया था, फिर कर्ज को निकाला गया था, फिर वसीयत की रकम को निकाला गया था। तो उसी को लेके चल रहे हैं कि उसकी तरके की रकम 40,000 रुपये है। 40,000 रुपये को इनमें कैसे बांटा जाएगा? नोट कर लिया जिसने नोट करना था, मिटा दें, क्योंकि बड़ा बड़ा लिखना पड़ रहा है, इसलिए वो जो है फिर आ नहीं पाएगा पूरे। इस स्टेप को हिंदी में क्या बोलते हैं और उर्दू में क्या बोलते हैं? पहला मरहला। तो चलो पहला नंबर ले लेते हैं। पहले नंबर पे क्या करना है, हमने लिखना है वारिसीन की फहरिस्त, यानी लिस्ट ऑफ द इनहेरिटर्स, अंग्रेजी में बोलेंगे लिस्ट ऑफ द इनहेरिटर्स, वारिसीन की फहरिस्त, यानी वारिसीन में कौन कौन मौजूद है। क्योंकि जो जिंदा लोग होगा उसको मिलेगा, मरने वाले को विरासत नहीं मिलती है। कोई शख्स मर जाए इस बात की पहले गारंटी हो, ऐसा नहीं हो कि भाई किसी ने देखा ही नहीं मान लिया मर गया। कोई शख्स मरा हो, उसके चश्मदीद गवाह हो, कफन दफन किया गया हो, उसने माल छोड़ा हो, और जिनको माल चाहिए वो जिंदा हो, मुर्दे को पैसा नहीं जाएगा। तो यहाँ पे कौन मौजूद है? मरने वाले की माँ, मरने वाले का बाप, मरने वाले की बीवी, और मरने वाले का बेटा और बेटी। इतने लोग मौजूद हैं जो उसके वारिस हैं। अभी मैंने जो बताया था कि सूरह निसा की आयत नंबर किस में किसका हिस्सा है, तो मैंने बताया था कि यहाँ जो मर रहा है उसका, मान लेते हैं यहाँ पे जो जिसकी डेथ हुई है, जिसकी मौत हुई है, उसका नाम अनवर है। मैं अपना ही नाम लिखता हूँ बोर्ड पे जाकर, ठीक है ना? क्योंकि किसी और का लिखो तो कोई नाराज़ हो सकता है, तो मरना हर एक ने है। तो जिसकी मौत हुई है वो अनवर है, उसकी माँ बाप बीवी बेटा बेटी अगर ये मौजूद हों तो मरने वाले की क्या कोई औलाद दिखाई दे रही है इसमें? बोलेंगे तो सीखेंगे इंशाल्लाह। बेटा और बेटी अगर बोले, एज ए स्टूडेंट की तरह पढ़े यहाँ पे, ठीक है ना? क्योंकि इल्म जिसके पास है वो इल्म दे रहा है, आप लोग स्टूडेंट बने। तो बेटा और बेटी क्या हैं? औलाद हैं। औलाद अगर मौजूद हो तो माँ का हिस्सा क्या होता है? 1/6, छठवां हिस्सा होता है। तो माँ का आगे लिख दें, इसको कितना मिलेगा? 1/6 मिलेगा। माँ का हिस्सा 1/6 है जब मरने वाले की औलाद मौजूद हो, चाहे औलाद में बेटा होता या औलाद में बेटी होती। मरने वाले के बाप का हिस्सा भी 1/6 है। ये भी कहाँ लिखा हुआ है? आयत नंबर 11 में लिखा हुआ है, पहले बताया था अभी। अच्छा, मरने वाले की बीवी का हिस्सा अगर औलाद हो, आयत नंबर 12 में लिखा हुआ है, कितना हिस्सा है? 8वां हिस्सा। तो बीवी का हिस्सा कितना है? 8वां। बाप का हिस्सा कितना है? 6ठा। माँ का हिस्सा कितना है? 6ठा। अब हदीस मुबारक के अंदर है, जिनके हिस्से शरीयत ने फिक्स कर दिए, मुकर्रर कर दिए, उनको पहले दिया जाएगा। तो माँ का हिस्सा 1/6 ही है, बाप का 1/6 ही है, बीवी का 1/8 है।
ये जो बेटा और बेटी हैं इनका हिस्सा फिक्स नहीं है, इनकी निस्बत है। कुरान करीम में सूरह निसा की आयत नंबर 11 में यूसी कमुल्लाउ फी औलादिकुम लिज़कर मिस्लु हज़्ज़ुल उन्सैन में ये कहा गया कि बेटा और बेटी की जो निस्बत है इनको क्या जाएगा, बचा हुआ क्या जाएगा, बचा हुआ माल जाएगा, बचा हुआ माल जाएगा। तो बचे हुए माल में इसकी जो निस्बत है वो किसकी है, दो एक की है, बेटे के दो हिस्से, बेटी का एक हिस्सा। अगर दो बेटे होते तो हर बेटे के दो हिस्से, बेटी अगर तीन होती तो हर बेटी का एक एक हिस्सा। यानी बचे हुए माल में यहाँ पे तीन हिस्से होंगे, बचे हुए इनको बांटने के बाद जो माल बचेगा उसके तीन हिस्से किए जाएंगे, दो हिस्से बेटे को चले जाएंगे, एक बेटी को चला जाएगा। लेकिन अगर ऐसा होता दो बेटे होते तो कितने हिस्से बन जाते, चार, एक बेटे के दो हिस्से, दो बेटों के चार हिस्से, और एक बेटी होती तो फिर पांच हिस्से बन जाते, तो बचा हुआ माल पांच भागों में तकसीम होता। तो अब अगर यहाँ पे देखें हमारे पास कितना रुपया है, 40,000 रुपये। अब कैलकुलेटर सबके पास है, ऐसा कोई ये नहीं कह सकता मेरे को, अनपढ़ से अनपढ़ आदमी, कि भाई मेरे को फ़ोन चलाना नहीं आता, मेरे को हिसाब किताब करना नहीं आता। अगर बोला तो झूठ बोल रहा है, ठीक है ना। अगर मैं एक रोटी यहाँ पे बनाऊँ, ये एक रोटी है, इस रोटी में से अगर ये वाला हिस्सा मैं खा गया, अनवर खा गया, तो कितना बचा है जी, तीन, तीन हिस्से। तो इसका मतलब माशाल्लाह सबको वारी विरासत आती है, बांटना ही चाहते हैं बस, आती सबको, बांटना कोई नहीं जा रहा है। अगर मैं अगर आधा हिस्सा और खा गया तो कितना बचा, तो यही तो विरासत में कहा अल्लाह ताला ने, किसी को एक बटे दो जाएगा, किसी को एक बटे चार जाएगा, और क्या कहा है, बड़ा आसान समझा दिया है। तो 40,000 का एक बटे छः किसको जाएगा, माँ को। तो माँ को जो जाएगा एक बटे छः किसका, 40,000 का। तो 40,000 को छः से ज़रा तकसीम करो, ये करना अपनी मैं नहीं करूँगा, कोई भी करे बैठ के कैलकुलेटर से। यहाँ पर 6,666 रुपये, कितने पैसे, 66 पैसे। तो अगर अनवर की मौत हो गई और 40,000 रुपये बचा था तरके की तकसीम के लिए, तो अनवर की माँ को कितना जाएगा, 6,666 रुपये 66 पैसे जाएंगे। उसके बाप को कितना जाएगा, उसके बाप को भी इतना ही जाएगा, 6,666 रुपये 66 पैसे। बीवी को कितना जाएगा, आठवां हिस्सा। तो आठवां हिस्सा अगर हम करते हैं 40,000 का तो कितना आएगा, 5,000। तो इसको ज़रा जोड़ के बताइए, क्योंकि हदीस ये कहती है कि सबसे पहले उनको दो जिनके हिस्से कुरान करीम में शरीयत में फिक्स है, बाकी जो बचेगा वो इन लोगों का होगा। तो इनको जो जाएगा बचा हुआ माल जाएगा, तो इनको जो बचा हुआ माल जाने वाला है, इनको नीचे थोड़ा सा लिख लेते हैं, वो जोड़ें कितना हो रहा है, एक मिनट, बेटा बेटी इनको जाएगा बचा हुआ माल कितना हो गया साहब, ये 18,333 रुपये, कितने पैसे, 32। तो 40,000 में से माँ बाप और बीवी कितने रुपए ले गए, 18,333 रुपये 32 पैसे। तो बचा हुआ माल, पूरा माल कितना था मेरा मरने के बाद, मेरे 40,000 रुपये। तो बचा हुआ जो माल निकलेगा वो कैसे निकलेगा, ये बराबर होगा 40,000 में से माइनस कर दो 18,333 रुपया 32 पैसे, कितना बचा, बचा हुआ माल 21,666 रुपये 62 पैसे। अब बेटा और जो बेटी हैं, बेटे को कितने हिस्से जाने हैं, दो हिस्से, और इसको कितना जाना है, एक हिस्सा। हर बेटे के कितने हैं, दो हिस्से, हर बेटी का एक हिस्सा, कितने हिस्से हो गए टोटल जोड़ के, तीन हिस्से हो गए। तो बचे हुए माल के कितने हिस्से होंगे, तीन हिस्से होंगे। तो बचा हुआ माल के जब तीन हिस्से होंगे, तो जो एक हिस्सा है, जो एक हिस्सा है 21,666 रुपये
62 पैसे बटा 3, एक हिस्सा कितने का आया? 7,222 रुपये 22 पैसे। ये एक हिस्सा आया तो बेटी को तो जाएगा, तो बेटी का जो हो जाएगा, बेटी को कितना मिल जाएगा? 7,200। नीचे चमक रहा है कि नहीं? ऊपर लिखे, एक मिनट रुक जाए। अच्छा, 7,222 रुपये 22 पैसे और बेटे को क्या मिल जाएगा? डबल मिल जाएगा, बेटे को मिल जाएगा 14,444 रुपये 44 पैसे हैं, 45 पैसे। अगर हम इन सबको जोड़ दें, ये सारा जोड़ दें, इसको भी जोड़ दें, इसको भी जोड़ दें, इसको भी जोड़ दें, तो कितना आ जाएगा? तो अब आप मुझे बताओ, मुश्किल है? कोई मुश्किल है इसके अंदर? किसी को मुश्किल लग रहा हो तो बताओ, मैं हूँ अभी यहाँ पे एक घंटे। कोई ये कहे जी मुझे समझ में नहीं आया है, बात तो देनी है जी, अगर देना चाहे तो सब मुश्किल नहीं है। हाँ, मसला वही है, हदीस का मफहूम ये है इब्ने माजा की, वरासत का इल्म सीखो और सिखाओ। तो ये एक सवाल सिखा दिया गया, इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी मोटी मोटी जखीम किताबें हैं मेरे पास इंग्लिश की, तो ये सीख सकते हैं सारे का सारा। मेरी क्लासेस ऑनलाइन होती हैं, कार्ड के अंदर इन्फॉर्मेशन है जो सबको कार्ड दिया गया है, किसी को ना हो, जुमे के दिन क्लास होती है रात में 9:30 से 10:30 बजे तक हर जुमे को होती है, 3-3 महीने के बैच चलते हैं, क्लास फ्री है, कोई पैसा नहीं है। क्लास में इंजीनियर भी होते हैं, डॉक्टर भी होते हैं, आलिम और मुफ्ती हजरात भी होते हैं, उन्हीं की निगरानी में सारा काम हो रहा होता है। तो ये क्लास वीडियो को फिर YouTube पे अपलोड कर दिया जाता है, वहाँ से आप सुन के भी कर सकते हैं। अब कोई अगर अपने अपने सवाल रखना चाहें एक एक करके, तो मैं सवाल यहाँ लिखूँ, बताऊँ किसको कितना हिस्सा मिलेगा। ये इस तरीके से सारा का सारा करना है। अगर एक सवाल इसमें अगर हम उल्टा कर दें कि बीवी की मौत कर दें, बीवी को अगर मार दें तो कितना कितना जाएगा? ये नोट हो गया अभी सबका, मिटा दें इसको। इसकी जगह पे एक काम कर लेते हैं कि मरने वाले की बीवी को मार देते हैं और उसको जिंदा कर लेते हैं। तो यहाँ पे मौत हो गई किसकी? बीवी की। तो कौन बचा इधर? सारे बचे। यहाँ पे बीवी की जगह पे क्या कर दो? अनवर कर दो। तो इन सबको यहाँ से मिटा दिया जाए, बेटा बेटी वैसे ही रहेंगे, ये भी वैसे ही रहेगा। बिल्कुल आसान है, मुश्किल तो है ही नहीं। देखें, तो जब अनवर की बीवी की डेथ हो गई तो माँ बची, बाप बचा, बेटा बेटी तो हैं मरने वाले के, तो माँ का हिस्सा तो 1/6 रहेगा, वो तो नहीं बदलेगा, तो फिर ये 1/6 रहेगा। बाप का हिस्सा 1/6 रहेगा, तो कितना आया था ये अभी? 6,666 रुपये 66 फिर ये 66। अब यहाँ अनवर को कितना जाएगा? 1/4। औलाद अगर ना होती तो मुझे 1/2 मिल जाता, औलाद है तो 1/4 मिल जाएगा। तो कितना आ गया मुझे, कितना मिलेगा? 10,000 रुपये। जोड़ें भाई कितना हो गया? 1,00,000 23,332 रुपये और 33 रुपये 32 पैसे 23,333 रुपये 32 पैसे ये चला गया माँ बाप को और मुझे चला गया। अब बचा हुआ माल जो बेटा बेटी के लिए, 40 में से इसको घटा दो, कितना बचा? 23 ये कितना आया? 16,666 रुपये 68 पैसे
अब जो बचा हुआ माल है उसका एक बेटा है, दो हिस्से उसके होंगे और उसकी एक बेटी है, तीन हिस्से होंगे। तो ये बचे हुए माल का जो आपके पास है कितने, एक हिस्सा कितने का आएगा? 16,666 रुपये 68 पैसे को तीन से भाग कर दो, कितना आया एक हिस्सा? 5,555, फिर 55 आया होगा, 56 कर लीजिए। तो बेटी को चला गया 5,555 और ये 56 और इसका डबल कितना हो जाएगा? 11, 112 पैसे। तो हमने बीवी को भी मार दिया और शौहर को भी मार दिया और ये देख लिया, अब किसको मरवाना है बताइए? हाँ, मरना सबको ही है। तो हमें जो है ऐसे सीखना है कि हम मरने से पहले अपना एक वो बना लें कि अगर मैं आज मर गया, मैंने सबसे पहले अपने ऊपर एक किताब लिखी, उसका इंग्लिश नाम है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ माई इनहेरिटेंस, मेरी संपत्ति का बंटवारा कैसे होगा। मैंने उसमें 19 मिसालें रखी हैं, हो सकता है किसी मिसाल में फिट हो जाऊं, नहीं होऊंगा तो फिर बाकी लोग कर ही लेंगे। तो सारे रिश्तेदारों को पकड़ा दिया मैंने, जब मर जाऊं तो भाई जितना पैसा हो यहां रख देना, इतने हिस्से होंगे मेरे। अभी माँ जिंदा है, मेरी बाप जिंदा है, मेरी दादी 101 साल की हो चुकी है, वो मौजूद है अभी, मेरी बीबी है, चार बेटियाँ हैं। अगर ये सारे लोग हयात रहे और मैं मर जाऊँ, मेरे दो भाई, तीन भाई हैं, दो बहनें हैं, तो मेरी प्रॉपर्टी के 27 हिस्से बनेंगे। जो भी प्रॉपर्टी आएगी उसको 27 से भाग कर देंगे, बीवी को कितने जाएंगे, माँ को कितने जाएंगे, सबको लिख दिया है। अब वो ना बांटें तो वो गुनाहगार होंगे, मैंने अपना काम पूरा कर दिया। बात समझ में आई? ये सीखना, इल्म का सीखना फ़र्ज है, इसको सीखना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग बाद में आए हैं तो बता दूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वरासत का इल्म सीखो और सिखाओ, वरासत का इल्म सीखो और सिखाओ। तीसरी बात बताई, ये इल्म का आधा हिस्सा है। चौथी बात बताई, ये इल्म भुला दिया जाएगा और सबसे पहले मेरी उम्मत से उठा लिया जाएगा। हम देखते हैं कि आज के ज़माने में कहीं पे प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है, संपत्ति का बंटवारा नहीं हो रहा है। जो बड़ा भाई होता है कहीं वो काबिज़ हो जाता है, कहीं चचा उठता वो काबिज़ हो जाता है। तो ऐसे लोगों के लिए हदीस है, मिश्कात शरीफ की, कान खोल के सुने, क्योंकि मेरा स्टेटमेंट नहीं है, अल्लाह के रसूल और अल्लाह ताला ने जो भी नाजिल फरमाया है उसमें से कहा गया, मिश्कात शरीफ के अंदर है, जिस शख्स ने किसी की मीरास काटी, जिस शख्स ने किसी की मीरास काटी, रोज़े क़यामत अल्लाह ताला उसकी जन्नत की मीरास काट देगा। तो आप सोचिए कि हम क्या करने जा रहे हैं, हम अपने लिए जहन्नम खुद लिखने जा रहे हैं। इसी तरीके से आयत नंबर 11 के अंदर, 10 के अंदर, जो लोग बाद में आए हैं सुन लें, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लज़ीना याकुलूना अमवालल यतामा ज़ुल्मा इन्नमा याकुलूना फ़ी बुतूनिहिम नारा वसयस्लूना सईरा। इसका मफहूम ये है कि जो लोग यतीमों का माल नाहक तरीके से खाते हैं वो अपने पेटों में आग भरते हैं, अनकरीब वो जहन्नम की भड़कती हुई, मल्टीपल तरह की आग हैं, भड़कती हुई आग में जा गिरेंगे। इसी तरीके से आयत नंबर 13 में खुशखबरी दी गई है, जो विरासत की तकसीम करते हैं उनके लिए जन्नत है और जो नहीं करते उनके लिए परमानेंट ठिकाना हमेशा हमेशा की जहन्नम है। आपके चाहे हज कितने हो जाएं, उम्रे कितने हो जाएं, नमाजें कितनी हो जाएं, पहाड़ लगा दे जाके, लेकिन अगर इस पे अमल नहीं किया तो सख्त वईद है कि उसका ठिकाना परमानेंट क्या है, जहन्नम है। हमें ये देखना चाहिए कि क्या हम ऐसा तो नहीं कर रहे किसी का हक मार रहे हैं, अगर मार रहे हैं तो आज से तौबा करें और ख़ुद काम करें। मैं अपनी मिसाल देता हूँ, मैं अपनी नानी के यहाँ रहा बचपन से, 2 साल का था, 4 भाई हैं हम लोग, 2 भाई नानी के यहाँ पे रहे।
नानी ने मरने से पहले कचहरी में जाके एक वसीयत लिखवाई जो कि गलत थी, इल्म नहीं था उनको, वो ये लिखवाई जीते जी मैं मालिक हूँ, मरने के बाद मेरे चारों नवासे मालिक हैं। जब मैंने 2013 में इल्म सीखा विरासत का पढ़ना शुरू किया तो मैंने घर वालों को बोला कि नानी ने वसीयत गलत की है, तो उन्होंने कहा भाई नानी तुम्हें देना चाहती हूँ उससे क्या दिक्कत है। तो हमने कहा शरीयत ये कहती है कि अगर किसी का हक काटा गया तो फिर क्या कर रहे हो, अपने लिए जहन्नम का ठिकाना लिख रहे हो। तो हमारे लिए वसीयत जो की जा सकती है नवासा नवासी को नहीं जाएगा हक जब तक कि आपके पास वारिसीन मौजूद हैं। मेरी माँ मौजूद थी, मेरी माँ का 1/2 हिस्सा होना चाहिए, मेरे नाना मौजूद हैं उनका हिस्सा 1/4 होना चाहिए, और जो बच गया चूँकि मेरी माँ अकेली है, बेटा कोई नहीं था मेरे नाना का, तो 1/4 जो बच गया, 1/4 नाना को जाएगा, 1/2 जो है मेरी माँ को जाएगा, 1/4 जो होगा वो नानी के भाइयों को जाएगा। तो अल्लाह का शुक्र है 22 साल के बाद पिछले साल जाके जो जो लोग हयात थे नानी के, उस टाइम जब मौत हुई थी तो 5 भाई थे, अब केवल 1 भाई रह गए हैं जो IPS ऑफिसर हैं लखनऊ में। तो सबको जाके किसी के हिस्से में 4,000 आ रहे, किसी के हिस्से में 10,000, सबको जाके दिया, तो इसलिए मैं यहाँ से बोल रहा हूँ। फिर नाना की डेथ हो गई, फिर उनके हिस्से की तकसीम की। तो हमें ये देखना चाहिए कि जहाँ पर तकसीम नहीं हो रही है इसके लिए कारगुजारियाँ की जाएँ। मस्जिद से अगर ऐलान होता है कोई शख्स मर गया है तो इमाम साहब को चाहिए कि वो ये भी बता दें कि जब कोई शख्स मर जाता है तो 4 ड्यूटी छोड़ के गया है, वो 4 हक हैं उसके, उसका कफन दफन करना है, वो कर्ज़ देने के लिए नहीं आएगा, उसकी औलादों ने करना है या उसके रिलेटिव ने करना है, कर्ज़ की अदायगी होनी है, उसने वसीयत की है वसीयत की तकमील होनी है, और उसका तरका उसके वारिसों में तकसीम होना है। तो हमें एक तंजीम बनानी चाहिए हर एक मस्जिद के अंदर, इक्तदार जिनके पास, लोगों के पास, कि वो जाएं जो शख्स मर गया है और कहें कि भाई घर में कितने लोग हैं, ये वारिस है, माँ का हिस्सा 6 होगा, बाप का हिस्सा 6 होगा, बीवी का हिस्सा 8 होगा। हम उससे ये नहीं पूछ रहे तुम्हारे घर में कितने करोड़ रुपए, ये नहीं पूछ रहे, ना कोई बताएगा, हम ये बता रहे हैं हिस्सा कितना होगा। और हम ये बता दें कि देना ज़रूरी है, जो आयत करीमा डिस्कशन की गई उसकी रोशनी में उसको समझा दें, हमारी ड्यूटी ख़त्म हो गई है, क्योंकि ज़बरदस्ती हम नहीं कर सकते, हिदायत देने का हम केवल अल्लाह ताला का है, हम सिर्फ समझा सकते हैं। तो हमने जो यहाँ पर जो डिस्कशन किया है, अब आप लोगों से सवाल ये है कि भाई कौन कौन विरासत के इल्म को सीखना चाहता है। हम जमात में जाते हैं तो फिर शहादा लेते हैं कि भाई कौन कौन जमात में चलेगा, तो हमारी जमात भाई यही है, ये भी जमात का एक हिस्सा है और ये भी एक दीन का हिस्सा है, ये भी जमात का हिस्सा है, ये भी एक दीन का हिस्सा है, जिसको सीखना ज़रूरी है। नमाज अगर छूट जाती है तो अल्लाह ताला चाहे तो माफ़ कर दे, ज़कात छूट जाती है तो माफ़ कर, यहाँ तो माफ़ी का ऐलान ही नहीं है, यहाँ तो सीधा सा है कि नहीं दिया तो सीधा जहन्नुम है। क्योंकि हुकूकुल इबाद एक ऐसा चीज़ है, आप सुनते हो जमात में हम जाते हैं तो सुनते हैं कि भाई मिस्कीन कौन है, मुफलिस कौन है, तो हम ये सोचते हैं जिनके पास पैसा ना हो दौलत ना हो, तो कहा जाता है कि एक शख्स आएगा जिसके पास अंबार होगा, नेकियों का अंबार होगा, हजों का भी अंबार होगा, सारी चीज़ों का, लेकिन किसी ने उसने गाली दी होगी, किसी का माल चुराया होगा, तो उसकी नेकियां देके लोगों को दे दिए जाएंगे, फिर भी तकादे करने वाले रह जाएंगे, फिर उनके गुनाह इस पे मर दिए जाएंगे और जो जन्नत में जाने वाला था जहन्नुम में फेंक दिया जाएगा। तो हमें इस वाले हुकूकुल जो आपके पास ये लोगों के हक़ हैं इन पर ध्यान देना चाहिए, और इनके लिए कोशिश ये करनी चाहिए कि आगे क्या तरतीब बनाई जाए। जो लोग सीखना चाहते हैं, जैसे कमिश्नर साहब ने प्रोग्राम करवाया और कहीं प्रोग्राम करवाना है, तो आपने अब ये देख लिया, इससे अच्छे लेवल पे कराएं, कॉपी किताब लेकर आएं, पूरा दिन मेरा इस्तेमाल करें, 2-3 महीने के बाद मुझे बुलाएं, लोगों को इकट्ठा करें, जब तक तरगीम करें, फिर कुछ लोग सीखें मेरे जाने के बाद, फिर एक सिस्टम शुरू हो जाए स्कूल में मदारिस में सिखाने का। और स्कूल वाली जो अथॉरिटी है उनको भी मैं कहना चाहूँगा कि वो मैथ को जानते हैं, उलमा इकराम के पास मैथ की कमी है, आपको चाहिए कि मैथ का इनको फ्रैक्शनल मैथमेटिक्स सिखा दें, क्योंकि मैंने अभी सिंपल सा कर दिया है, क्योंकि फ्रैक्शनल मैथमेटिक्स इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। जब तक हमें ये नहीं आएगा, अगर मैं यहाँ पर एक छोटा सा सवाल लिख देता हूँ, तो मैंने बहुत बार टेस्ट किया कि अगर मैं यहाँ 15/3 लिख दूँ और यहाँ पे 12/ यहाँ पे 5 लिख दूँ, तो उलमा इकराम इसको सॉल्व नहीं कर पाते। जब तक हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे तब तक तो फिर मिरासत तकसीम ही नहीं होगी। अभी तो एक ही शख्स मरा है ना, मैं मर गया ऐसा मान के चल लो, मेरे दादा की मौत हुई तो प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई, मेरे बाप की हुई तो नहीं हुई, मैं मर गया तो नहीं हुई, अब मेरी औलादें करना चाहती हैं, तो ये कहलाता है मुनासखा। तो एक सवाल था विरासत में,
बहुत तरह के स्टेप्स हैं, जैसे मेरी अगर मौत होती है, मेरी माँ हामला हो सकती है कि नहीं? मेरी मौत पे मेरी माँ हामला से हो सकती है कि नहीं? वो अब नहीं हो पाती, चूँकि मसला ये है कि अब शादियाँ बड़ी लेट होती हैं, पहले जल्दी जल्दी होती थी जी। तो मेरी माँ हामला हो सकती है, तो यानी मेरी मौत के बाद मेरा भाई या बहन आ रही होगी। मेरे मरने के बाद मेरी बीवी हामला हो सकती है, हमल से हो सकती है, तो मेरी डेथ हो रही है। तो हमल के हिस्से भी उस बच्चे के शरीयत ने मुकर्रर किए हैं कि आने वाला बेटा है और बेटी है, उसके भी हिस्से, उसकी अलग से। फिर इसी तरीके से जब मल्टीपल लोग मर जाते हैं ख़ानदान में, वो मुनासखा कहलाता है। इसी तरीके से जो यहाँ पे मदारिस से लोग फारिग हैं, उनको मालूम है कि एक कॉन्सेप्ट होता है ऑल का, एक कॉन्सेप्ट होता है रद्द का। तो ये सारी चीज़ें पढ़ने में तकरीबन 3 महीने लगते हैं। हफ्ते में एक दिन हम क्लास लेते हैं जुमे के दिन, और बीच बीच में किला होमवर्क देते रहते हैं करने के लिए। 3 महीने में आप लोग सीख जाते हैं। तो जो लोग सीखना चाहते हैं, वो एक पेपर आपको हम दे देते हैं। हम्माद भाई एक पेपर दे दीजिए सबको, ताकि अपने नाम लिख दें, क्योंकि कमिश्नर साहब ने कहा है कि भाई जो लोग सीखना चाहते हैं नाम और टेलीफोन नंबर ले लें, बाकी कमिश्नर साहब बात करेंगे बाद में। तो जो लोग सीखना चाहते हैं वो अपने नाम लिख दें, उनको हम सिखा सकते हैं। जो लोग ये चाहते हैं कि यहाँ पे आके अगले 2 महीने के बाद एक और क्लास ली जाए, तब भी ली जा सकती है। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट उनसे है, जो टीचर हजरात हैं वो ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं, जूम के ऊपर हम ऑनलाइन क्लास लेते हैं। और हम्माद भाई इनको कार्ड दे दीजिएगा, जो टीचर्स लोग आए हुए हैं, फ्राइडे में क्लास होती है उसको ज्वाइन करें। क्लास शुरू हो चुकी है, नया बैच शुरू होगा तो उसमें एनरोल कर लिया जाएगा, लेकिन इस जुमे में जब क्लास होगी तो उसको एनरोल होने की कोशिश करें, देखें क्या तरीका हो रहा है। और अभी प्रोग्राम के बाद अगर आप हमें इंडिविजुअली मिलना चाहते हैं, तो अभी 12 बज चुके हैं, आधा घंटा हम आपको दे सकते हैं, आप अपने सवाल रख सकते हैं कैसे सीखने का। किसी का कोई सवाल है भाई इससे रिलेटेड? कोई साहब पूछ रहे थे कि भाई अगर औलाद ना हो, कौन साहब थे, चले गए? किसी का कोई सवाल हो तो आपके सवाल के हिसाब से भी बताएं। हाँ बोले बोले। एक मिनट, ऊपर से बताएं, दादा है, दादा के अच्छा एक मिनट, दादा है, दादा के कितने बेटे हैं? नहीं उस ऊपर से ही जाएगा जो मैं, 3 बेटे हैं। दादा का एक बेटा है, दादा का एक दूसरा बेटा है, दादा का एक तीसरा बेटा है, ठीक है। आप बताएं इनके भी बेटे नहीं? दो बेटे हयात है, की मौत हो गई। अच्छा ठीक है, एक मिनट, आराम से। इनका सवाल ये है कि दादा अभी जिंदा है, ये बेटा, इसकी मौत हो चुकी है, इसकी औलादें हैं, इसकी औलादें हैं, एक बेटा मौजूद, इसका एक बेटा मौजूद है, तो इसका क्या हिस्सा है? देखें, एक तो ये कि जब ये मरा होगा इसकी प्रॉपर्टी से इसको मिल गया होगा, उसको दादा को छोड़ दिए, जब ये मरा होगा ये किसका बेटा है? इसका बेटा है, दादा जो ऊपर है इसका बेटा है, ये हाँ दादा हयात है, ये आपके पास बाप है ऊपर सबसे, यानी ये बाप हो गया, बेटा हो गया, फिर ये हो गया। तो अगर ये शख्स मरता है तो इसका औलाद मौजूद है, केवल अगर एक ही औलाद मौजूद है, बेटा ही मौजूद है और कोई नहीं है, तो यहाँ पर बाप को, इसके बाप को 1/6 जाएगा और 5/6 ये ले जाएगा, ये हो गया एक मौत, क्योंकि मल्टीपल मौत हो रही है। अगर ये मरता है तो इस बेटे का 1/6 इसके बाप को चला गया, और जो बचा, क्योंकि और कोई नहीं था इसका, अगर बीवी वगैरह भी नहीं है, यही है, तो 5/6 हिस्सा ही ले गया। तो पोते को मिलेगा ना? नहीं, एक आ रहा हूँ, वहीं आ रहा हूँ, पहुँचा नहीं अभी मैं। अभी दादा की मौत नहीं करवाई है, अभी इसकी मौत करवाई है। जिसकी मौत हुई उसको, उससे उसके बेटे को 5/6 मिल गया, अब उसके बाप को 1/6 मिल गया। अब इसकी मौत हो चुकी, ये मौत यहाँ से ख़त्म हो गई, अब दूसरे नंबर की मौत किसकी हो रही है? या मौत हो रही है, इसकी मौत हो रही है। इसकी जब मौत हो रही है तो इसके 2 बेटे हैं और इसका एक पोता है, ये क्या बन गया? पोता बन गया। तो शरीयत का कानून ये है, जो मरने वाले के करीब होता है उसको हिस्सा जाता है। मरने वाले के करीब कौन है? बेटे। तो अगर इसके 2 लाख की प्रॉपर्टी है और यही है, तो 1 लाख इसको जाएगा, 1 लाख इसको जाएगा। लेकिन हमें अल्लाह ताला ने 3 चीज़ें बता रखी हैं अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरफ के ज़रिए,
कि जब ये मर गया तो इसकी किफालत कौन करेगा? दादा मौजूद है, तो एक काम दादा इसकी किफालत कर सकता था। दूसरा चीज़, वसीयत कर सकता था एक तिहाई अपने पोते के हक में, जो इस दादा ने नहीं की। ये इसकी गलती है, ये शरीयत की गलती नहीं है, ये शरीयत की गलती नहीं है। शरीयत ने तीन चीज़ें आपको दी, क्या आप अपनी ज़िंदगी में इसकी किफालत कर सकते थे? अपनी ज़िंदगी में एक चीज़ होती है हिबा, गिफ्ट, हिबा। हम बाप, ये दादा अपनी ज़िंदगी में इसको कुछ भी दे सकता था चूँकि अपने माल का मालिक था, तो ये हिबा कर सकता था। तीन चीज़ें इसके पास थी कि ये पोते के लिए तीन चीज़ें कर सकता था। एक, हिबा कर सकता था, कोई भी मना नहीं करता चूँकि दादा अपने माल का मालिक है। कोई भी शख्स ये नहीं बोल सकता कि अब्बा आप अपना जो मकान है हमारे नाम कर दो और ये कर दो, गलत है। जब तक वो जिंदा नहीं, मर्जी उसकी नहीं करता, अपना मर्जी का मालिक है वो। तो एक हिबा कर सकता था, दूसरा वो क्या कर सकता था, उसके लिए वसीयत कर सकता था। अल्लाह ताला ने एक तिहाई वसीयत का दरवाज़ा खोल रखा था, वो भी हमने नहीं किया। गलती किसकी? हमारी, हम पढ़ते नहीं। जब कोई मर जाता है तो फिर हम वाई वेला मचाते हैं सारे जाके। तो एक हिबा है, एक वसीयत है। तीसरा चीज़ ये है कि जो उसकी परवरिश कर सकता था, उसकी परवरिश कर सकता था, उसके पढ़ाई लिखाई में कर सकता था, उसका कोई कारोबार कर, ये तीन चीज़ें दादा के हाथ में थी जो उसने नहीं की। अच्छा चलो, इसने अगर नहीं किया, गुनाहगार बन गया, तो ये जो बेटे हैं इसके क्या बनेंगे? चचा बनेंगे। तो चचा के ऊपर किफ़ायत आती है, उन्होंने भी नहीं की, तो क़यामत के दिन पूछा जाएगा। यहाँ पर तो आर्जी दुनिया है हमारे पास, तो इनके ऊपर भी किफ़ालत का ज़िम्मा था, इसके ऊपर भी किफ़ालत का ज़िम्मा था, तो ये कर सकते थे। हम ये कहते हैं, जब लोग बहस करते हैं यहाँ पे, हम ये कहते हैं जिनके हिस्से फिक्स हैं उसके कितने दे दिए आपने? आपने अपनी बहन को दिया किसी ने? जितने लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, इनमें से किसी ने बहन को दिया हिस्सा? बुरा लगे लगा करे, शरीयत का मसला है। आपको वो तो बहनें मिल जाएंगी जिन्होंने बेचारियों ने अपना हिस्सा माफ़ कर दिया। जी बहन ने माफ़ कर दिया, कोई एक शख्स हाथ उठा सकता है या कह सकता है कि मैं भाई हूँ, मैंने अपना हिस्सा माफ़ कर दिया? कह सकता है कोई भी नहीं करे। कोई ऐसा भाई नहीं मिलेगा आपको लाख में से भी जो कि मैंने अपना हिस्सा माफ़ कर दिया है। बहनें क्यों माफ़ कर देती हैं? मजबूर हैं बेचारी, कि वो कहाँ जाएगी, वो कहाँ जाएगी? अब उसका घर तो, उसका बाप मर चुका है, वो कहाँ जाएगी? धक्के दे के आपने वैसे ही बाहर निकाल रखे, और जो हमने जहेज पर खर्च किया वो तो वैसे ही गुनाह कर बैठे। शरीयत में जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो एक तो वो गलत कर दिया, दूसरा आपने तरका नहीं दिया, वो दूसरा वो गलत कर दिया। तो अगर हम बाखुदा तरका देना शुरू कर दें, मैं कई उलमा इकराम को बोला है लेकिन समझ में आएगा कब आएगा अल्लाह बेहतर जाने, कि जब निकाह होता है तो निकाह में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, बाकायदा अकद बनता है। अगर उस निकाह के पेपर में ये लिख जाए कि भाई कुरान में तो लिखा हुआ है, सब कुछ नहीं मान रहे, लेकिन वो जो निकाह का पेपर है वो कोर्ट का पेपर होता है। आज की डेट में निकाह का पेपर क्या है? कोर्ट का पेपर है। उसमें लिख जाए कि जब बीवी मरेगी तो उसकी प्रॉपर्टी से हस्बैंड को जाएगा, और जब हस्बैंड मरेगा तो उसकी प्रॉपर्टी से बीवी को जाएगा, तो कोर्ट की स्टैंप्ड हो गई इसके ऊपर, तो वो केस कर सकती है। अभी तो क्या, हम देते नहीं किसी को। तो जिनके हिस्से लिखे हैं उनका कितना दे रहे हैं? पोतों पे तो हम बोलते हैं कि नहीं मिल रहे, बेटी को कितना दे रहे हैं? माँ को हिस्सा देते नहीं, माँ कह देती है कि भाई बेटे खुद ही रख ले। मैं ये कहता हूँ, पढ़ाता हूँ जब क्लास लोगों से, कि जिसका हक है अगर आप उसको दे दो। एक काम करें, अपनी बहन को जो उसके हिस्से में 10 लाख रुपए आ रहे थे वो दे दें, फिर उससे एक महीने के बाद मांगना, हम देखते हैं वापस करेगी कि नहीं करेगी। करके देखें जरा, कोई भी साहब ये करके देखें, जिसका हिस्सा है बहन का उसको दे दें, और वो बात उसके शौहर को ही पता हो, मिला है। मैं देखता हूँ उसका शौहर कैसे, आप उससे वापस लोगे उसके शौहर से और उसकी बीवी से? पॉसिबल ही नहीं है। तो जिनके हिस्से हैं उनको तो दें भाई, अगर नहीं देंगे तो हम सारे गुनाहगार हैं, सारे के सारे। बाखुदा रोज़ा नमाज जगह सब बेकार हैं, कोई फ़ायदा नहीं होगा। किसी भी बड़े से बड़े मुफ्ती से पूछ लिए, वो ये कहेगा कि ये जो मसला है अहम मसला है, बट ये मसला मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है कि हमने कर दिया चूँकि हमने जो है उस पर काम नहीं किया। मदारिस में मैथ नहीं पढ़ाया जाता। अच्छा, जिन उलमा हजरात को ही आता है, हम उनसे मसले पूछने जाते हैं तो नमाज के, हम पूछने जाते हैं जनाजे के, हम पूछने जाते हैं तो ज़कात के। हम में से कितने लोग मसले पूछते हैं मीरास के? अगर जो टीचर यहाँ बैठे हुए हैं, जो मैथ के टीचर हों या किसी भी फील्ड के टीचर हों, अगर ये पढ़ाना बंद कर दें 8-10 साल, जो इल्म सीख के यहाँ याद रहेगा इनको?
हर साल मस्जिद में जब कुरान ख़त्म होता है, कारी अगर उसको, हाफिज़ अगर उसको हर साल याद ना करे तो याद रहेगा उसको? बार बार जब दोहराया नहीं जाएगा मल तो भूल जाएगा। तो मिस्टेक दोनों तरफ से, गलतियां दोनों तरफ से हैं, आवाम की तरफ से भी हैं और उलमा हज़रात की तरफ से भी हैं, दोनों तरफ से हैं। मस्जिद से आप ऐलान करो, जितने खुतबे जुमे के होते हैं, सारे खुतबे होते हैं, हम जमात में भी जाते हैं, कहीं पर भी मीराज के बारे में कुछ भी नज़र नहीं आता, ना के बराबर। तो इस पर सोचने की ज़रूरत है, नहीं तो ऐसा ना हो कि अनजाने में हम हराम माल खा लें और क़यामत के दिन हमें पकड़ लिया जाए। तो भाई जो लोग सीखना चाहते हैं उस पर नाम लिख दें, और जो लोग टीचर हजरात हैं, मैंने वेबसाइट बनाई है, मैं यहाँ पे लैपटॉप ऑन कर लेता हूँ ताकि मैं आपको दिखा दूँ कि वेबसाइट में जाके क्या क्या मटेरियल आप ले सकते हैं। वो लोग अपनी कुर्सियाँ आगे लिए हैं, इधर मैं खोल लेता हूँ। जी एक मिनट भाई, एक सवाल ले लें जरा। मौत किसकी हुई है पहले बताइए? बीवी की मौत हो गई। बीवी की मौत हुई है, बचा कौन कौन है? बाप बचा, माँ बची, एक मिनट, शौहर बचा। ठीक है, बीवी की मौत हुई है, बीवी ने अपने पीछे अपनी माँ को छोड़ा है, अपने बाप को छोड़ा है और शौहर को छोड़ा है और बस। अच्छा, माँ को 1/6 चला गया। एक मिनट, ये छोड़ा है, क्या बीवी का कोई भाई या बहन है, सगी या सौतेली? है। कितनी बहनें हैं? एक बहन है, एक भाई है। एक जो है सगी बहन है और एक सगा भाई, एक सगा भाई है। देखिए, सवाल जब कोई पूछता है ना, तो हम इंसानों की फितरत है, हम, मैं हूँ या आप हो। जी जी, ये जो है ये तो ससुर और उसकी सास है, उसके अपने वालिद और उसकी नहीं। तो मैं वही तो पूछ रहा हूँ, मरा कौन है? बीवी मरी है ना? बीवी मरी है। तो बीवी की माँ है? नहीं, ये सास और ससुर है। तो सास को तो जाएगा नहीं, ससुर को भी नहीं जाएगा, हटा दो उसको वहाँ से। नहीं जाएगा। क्यों जाएगा उसको भाई? जो मरी है उसकी माँ को जाएगा, जो मरी है उसके बाप को जाएगा, जो मरी है उसके शौहर को जाएगा। अब आपके पास अगर ये ऐसे मान लेते बीवी की माँ है और बीवी का बाप है आपके पास, तो बीवी की जो माँ है, बीवी के कोई औलाद है? नहीं, नहीं औलाद है। जब औलाद नहीं है, क्या उसके भाई बहन है? दो भाई बहन है मौजूद हैं, तो माँ का हिस्सा मिलेगा फिर 1/6, क्योंकि अगर कुछ भी औलाद ना हो तो माँ का हिस्सा 1/3 है आयत नंबर 11 में, और अगर सगे भाई बहन उसके अगर हो जाते हैं तो माँ का हिस्सा फिर 1/6 बन जाता है। बाप का हिस्सा आपके पास यहाँ पर, शौहर का हिस्सा औलाद नहीं है, कितना होगा? 1/2 होगा। बाप मौजूद है मरने वाले का, बाप की मौजूदगी में भाई बहन को कोई भी हिस्सा नहीं जाता, बाप की मौजूदगी में, दादा की मौजूदगी में भाई बहन को कोई हिस्सा नहीं जाता, बचा हुआ हिस्सा ये ले जाएगा, बचा हुआ यहाँ चला जाएगा। तो 1/6 को और 1/2 का जब एलसीएम आप लेंगे, ये 6 आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये 2/3 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। कितना आ गया? 4/6। 4/6 को काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 2/3। तो 2/3 हो ले गया, यानी 1/3 बचा हुआ माल बाप ने। भाई जो स्कूल के टीचर वगैरह हैं, अगर वेबसाइट देखना चाहते हैं तो आ सकते हैं या देख क्वेश्चन? हाँ जी, हाँ करा दे, वेबसाइट जरा दिखा दें। इधर ही लिया, उधर ही। इधर ही ले आइए भाई, मैं सिखा दूँ, फिर बता दूँ क्या करने के। नीचे बैठ जाएँ, ऊपर बैठ जाएँ, ऑन हो जाने दीजिए भैया। एक किताब देना भैया, हाँ माउस चला, पेपर दे दी, नीचे वाला कागज़ दे।
नहीं ये नहीं चलेगा, वो प्लेन वाला जी, ये प्लेन वाला जी। मैं इंटरनेट खोल लूँ, अब चलेगा नहीं। अभी ऑन हो रहा है, एक मिनट। Thank you.